नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण चैप्टर गुप्त साम्राज्य हम कंप्लीट कर चुके हैं। पीछे के हमने 6 से 7 वीडियो गुप्त साम्राज्य के बनाए, जिसमें हमने गुप्त साम्राज्य के शासक देखे, उनका प्रशासन देखा, उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, क्यों गुप्त साम्राज्य के समय को या शासन काल को स्वर्ण काल कहा था, क्योंकि उस समय स्थापत्य, साहित्य, कला, संस्कृति सभी का विकास हुआ था, इसलिए गुप्त साम्राज्य को या गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया था प्राचीन भारत के इतिहास का। यहां तक की बात कल अपनी हो चुकी थी। अब इसके आगे हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बाद जो काल आता है उसे बोलते हैं गुप्तोत्तर काल। जिस तरह से हमने मौर्य साम्राज्य देखा था और मौर्य साम्राज्य के बाद में हम मौर्योत्तर काल के बारे में चर्चा करके आए थे। मौर्योत्तर काल और गुप्तोत्तर काल की बात ऐसे है कि जिस तरह से मौर्यों के समय सत्ता केंद्रित थी, वैसे ही भारत की सत्ता को पुनः केंद्रीकरण करने का कार्य गुप्तों ने किया था। तो गुप्तों और मौर्यों की सत्ता, गुप्तों के प्रारंभ से पहले और मौर्यों की सत्ता के बाद में जैसा समाज था या जैसा भारत था वो विकेंद्रीकरण था। यही ऐसा ही विकेंद्रीकरण पुनः देखने को मिलता है भारत में गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद में। जैसे ही गुप्त साम्राज्य समाप्त होता है, उसका अंतिम शासक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद पुनः एक बार भारत छोटे छोटे भागों में बट जाता है, विकेंद्रीकरण हो जाता है, क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। इसकी रीजन क्या रहे, ऐसा क्या रहा कि क्यों क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, क्यों गुप्तों के बाद में गुप्तों की सत्ता के पतन के बाद में विकेंद्रीकरण हो गया भारत में, या फिर ऐसा कोई शासक नहीं आया जिसने संपूर्ण उत्तर भारत को पुनः एक करने का कार्य किया हो, तो ऐसे क्या रीजन रहे कि एक तो गुप्तों का पतन हो गया, ठीक है, और वह कौन कौन से क्षेत्रीय राज्य थे या गुप्तोत्तर काल के राज्य थे जो गुप्त शासकों या गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद में भारत में बने रहे, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो गुप्त साम्राज्य को सर्वाधिक जो नुकसान पहुंचता है वह पहुंचता है हूणों के आक्रमण से। जी हाँ, हूण एक विदेशी जाति थी। चर्चा हम बहुत पहले से ही करते हुए आ रहे हैं, बार बार हम विदेशियों के रूप में हूणों को देख रहे हैं, जिन्हें मल्लेच्छ कहा गया है। तो हूणों के आक्रमण से सर्वाधिक नुकसान होता है गुप्त एम्पायर को, और गुप्त एम्पायर का विखंडन हूणों के आक्रमण के बाद ही होना शुरू हो जाता है। फिर बात करें, जैसे कि महत्वपूर्ण शासक हुए गुप्त काल में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त वगैरह। कुमारगुप्त के बाद में जो शासक हुए वे कमजोर शासक थे। अपने पूर्वजों द्वारा खड़े किए गए इतने बड़े साम्राज्य को संभालने में वो असमर्थ रहे। ठीक वैसा ही हुआ जैसे अशोक की मृत्यु के बाद में मौर्य साम्राज्य पतन की ओर पहुंच जाता है, उसी प्रकार से कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद में गुप्त साम्राज्य पतन की ओर पहुंच जाता है, और इस पतन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हूणों की। तो छोटा सा पार्ट है आज का, जिसमें हम हूणों के आक्रमण को देखेंगे, कौन हूण थे, कहाँ से आए थे, क्या उद्देश्य था, कौन से क्षेत्र पर शासन किया, और जो गुप्त साम्राज्य था उत्तर भारत में उस क्षेत्र में कौन कौन से वंशों की या क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हुई। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे हूणों के आक्रमण को। तो हमारा चैप्टर है आज का गुप्तोत्तर काल। 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य समाप्त होने के बाद में भारत की दशा कैसी थी, ठीक है, तो उस दशा के लिए जो जिम्मेदार थे वो कौन थे, हूण थे। तो हूणों का छोटा सा परिचय, हूण कौन थे, मध्य एशिया की खानाबदोश जाति थी। हूण मध्य एशिया की जाति थी, और ये कैसी जाति थी, खानाबदोश, मतलब ये खाने की तलाश में या भोजन की तलाश में यहां से वहां भटक करके दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे। तो खानाबदोश एक जाति थी हूण, इन्हें मलेच्छ भी कहा गया है। हूणों को क्या कहा गया है, मलेच्छ कहा गया है। तो मध्य एशिया की खानाबदोश जाति है। हूणों का भारत पर पहला आक्रमण 455 ईस्वी में हुआ। हूणों का भारत पर पहला आक्रमण 455 ईस्वी में हुआ। अब 455 ईस्वी के पास जिस शासक का समय था गुप्त काल में, वह शासक था स्कंदगुप्त, और हम देख के भी आ चुके हैं कि स्कंदगुप्त के समय की महत्वपूर्ण घटना है गुप्तों का आक्रमण, किंतु स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को, यानी हूणों को पराजित कर दिया, या भारत पर उनके आक्रमण को असफल कर दिया था, किसने, स्कंदगुप्त। लेकिन अभी बात इतनी है कि हूणों का पहला आक्रमण 455 ईस्वी में हुआ। इस समय स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक था, जिसने हूणों को पराजित किया या उनके आक्रमण को भारत में असफल कर दिया। दो चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करें, अब आक्रमण तो हुआ,
विजय चाहे किसी की भी हो, लेकिन बार बार लगातार हूनों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य में अर्थव्यवस्था हिल जाती है, इकोनॉमी की डाउन हो जाती है। युद्ध के समय जब भी युद्ध होगा दो देशों के मध्य, तो चाहे कोई सा भी देश युद्ध को जीते, चाहे कोई भी देश युद्ध को जीते, लेकिन ऐसी स्थिति में दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी संकट उत्पन्न होता है, और इस संकट का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, जिसमें महंगाई बढ़ जाती है, लोगों के रोजगार छिड़ जाते हैं, छूट जाते हैं उनसे। तो ऐसी ही स्थिति हो गई, तो गुप्तों को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए गुप्तों ने कार्य किया, अपने सिक्कों में मिलावट प्रारंभ कर दी। जी हाँ, पहले गुप्त शासक अपन सिक्कों के बारे में अच्छे से अध्ययन करके आए। स्वर्ण सिक्के, चांदी के सिक्के उनके द्वारा चलाए गए थे, बड़े स्तर पर स्वर्ण सिक्के समुद्र गुप्त चला रहा था, लेकिन हूणों के बार बार आक्रमण की वजह से उनकी इकोनॉमिक थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, जिस वजह से उन्होंने अपने सिक्कों में मिलावट क्या कर दी, प्रारंभ। तो पॉइंट बनता है, गुप्तों ने अपने सिक्कों में मिलावट प्रारंभ की थी हूणों के आक्रमण की वजह से। ठीक है, 500 ईस्वी के आसपास प्रमुख शासक या हूण नेता तोरमान, 500 ईस्वी के आसपास प्रमुख हूण शासक या हूण नेता तोरमान ने मालवा में स्वतंत्र साम्राज्य, स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हो गया। तो इंपॉर्टेंट है, देखो इधर से आक्रमण करना प्रारंभ करते हैं, मध्य एशिया से आते हैं और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में एंट्री प्रारंभ करते हैं, और इसके बाद में जो तोरमान एक नेता हुआ हूणों का, वो इतना पावरफुल था कि उसने मालवा में स्वतंत्र शासक के रूप में बैठ गया, या स्वतंत्र साम्राज्य या स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हो गया। कौन? तोरमान। तो पहला हूण शासक जो कि भारत में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करता है, वह कौन है? तोरमान। कब की बात है? 500 ईस्वी, यानी अभी भी गुप्तों का शासन चल रहा है, लेकिन अब गुप्तों से एक क्षेत्र छिन गया, अलग हो गया, वह कौन सा था? मालवा। विकेंद्रीकरण होगा ना, बाद के जो गुप्त शासक हुए वो कमजोर थे, जिसकी वजह से सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया। लोगों ने जो भी उनके जो सामंत थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रताएं घोषित कर दी, तो ऐसे में मालवा में स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हो जाता है कौन? तोरमान। तोरमान ने मालवा में स्वतंत्र शासक के रूप में 500 ईस्वी के आसपास शासन करना क्या कर दिया? प्रारंभ। तो पहला शासक तोरमान रहा जिसने मालवा में स्वतंत्र सत्ता की क्या की? स्थापना। ठीक है, अब स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर रहा है वह राजा है, राजा का पहला कर्तव्य है अपने नाम के सिक्के चलाना। जी हाँ, जो भी राजा बनेगा वो अपने नाम के सिक्के चलाएगा, ताकि उसकी पब्लिक को पता चले कि इस समय वर्तमान में शासक कौन है, और आने वाले फ्यूचर में उनके सिक्कों को देखकर के अंदाजा लगाया जाए कि भाई इस शासक का साम्राज्य या शासन इस क्षेत्र पर था, ये इस समय से लेकर के इस समय तक क्या था शासक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्के, जैसे कि हम रामगुप्त के बारे में पता सिक्कों से करते हैं। तो तोरमान भी शासक बनता है तो वो सिक्के चलाता है, और तोरमान के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे वो तांबे व चांदी के थे। जी हाँ, तोरमान ने तांबे व चांदी के सिक्के चलाए थे, और ये तांबे और चांदी के सिक्के तोरमान ने हमें खुदाई में जहां से प्राप्त हुए हैं वो पंजाब और उत्तर प्रदेश से। तो तोरमान के चांदी और तांबे के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? पंजाब और उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। खुदाई में या उत्खनन में भी पंजाब और यूपी से तोरमान के चांदी व तांबे के सिक्के मिले हैं। तोरमान का एक पुत्र जिसका नाम था मिहिरकुल, तोरमान का पुत्र था जिसका नाम था मिहिरकुल, तो मिहिरकुल भी तोरमान की भांति ही पावरफुल शासक था, लेकिन मिहिरकुल ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा, मालवा के क्षेत्र पर इसका पिता का अधिकार था, साम्राज्य का विस्तार करना चाहा, किंतु इसकी साम्राज्य विस्तार पर अंकुश लगा दिया मालवा के नरेश यशोधर्मा ने, और मगध गुप्त शासक, उत्तर गुप्त शासक होंगे जिनका नाम है नरसिंह गुप्त। ठीक है, नरसिंह गुप्त को हम एक नाम से और जानते हैं, या नरसिंह गुप्त का एक नाम और है, और वह नाम है बालादित्य। ठीक है, तो मिहिरकुल ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा, मालवा में अपनी सीमा का विस्तार करना चाहा, इसकी सीमा का विस्तार को रोक दिया मालवा नरेश यशोधर्मा और मगध गुप्त शासक नरसिंह गुप्त। तो यशोधर्मा और नरसिंह गुप्त या बालादित्य दोनों ने मिलकर के ही मिहिरकुल को पराजित कर दिया। इंपॉर्टेंट है, मिहिरकुल को क्या कर दिया? पराजित। तो तोरमान का पुत्र मिहिरकुल मालवा शासक यशोधर्मा और मगध गुप्त शासक नरसिंह गुप्त से क्या हो गया? पराजित हो गया।
नेक्स्ट मिहिरगुल की बात करें अपन, अब मिहिरगुल इनसे तो पराजित हुआ लेकिन उसकी सत्ता तो थी ना, तो मिहिरगुल शैव धर्म का अनुयायी था। इंपॉर्टेंट है मिहिरगुल, देखो विदेशी जाति थे लेकिन फिर भी भारत में सत्ता स्थापना के बाद में जनता को अपने फेवर में लेने के लिए उन्होंने भारतीय धर्म को अपनाया और मिहिरगुल ने शैव धर्म का अनुयायी था। मिहिरगुल किस धर्म का अनुयायी था? शैव। इसी के साथ मिहिरगुल नफरत करता था या कट्टर विरोधी था बौद्ध धर्म का। तो मिहिरगुल शैव धर्म का अनुयायी था किंतु बौद्ध धर्म का कट्टर क्या था? विरोधी था। इस समय हर्षवर्धन, जिसकी हम बात करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, हर्षवर्धन प्रमुख अनुयायी हुआ करता था बौद्ध धर्म का और मिहिरगुल हर्षवर्धन के बौद्ध धर्म का कट्टर क्या था? विरोधी। तो तोरमान के बाद मिहिरगुल हुआ, ये मालवा नरेश यशोधर्मा और मगध गुप्त शासक नरसिंह गुप्त या बालाजित्य से पराजित हुआ। मिहिरगुल शैव मत का अनुयायी था किंतु बौद्ध धर्म का क्या था? विरोधी था। अब इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, अब गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है और जैसे ही उसके अंतिम शासक की मृत्यु होती है, गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया और जो साम्राज्य था उसका विकेंद्रीकरण हो गया, वो छोटे छोटे भागों में बट गया। ये आप इम्पोर्टेंट है, जो भी इतिहास में किसी ने भी अपने साम्राज्य की स्थापना की है निश्चित है कि एक दिन उस साम्राज्य का अंत होगा। जैसे कि मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था मुगल सत्ता, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद मुगल सत्ता का डिस्ट्रॉय हो गई, मुगल सत्ता डिक्लाइन हो गई, क्योंकि उसके जो कमजोर औरंगजेब तक पावरफुल मुगल शासक थे, अशोक तक पावरफुल मौर्य शासक थे, कुमारगुप्त तक पावरफुल गुप्त शासक थे, इनके बाद में इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो इतने पावरफुल नहीं रहे कि अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य को संभाल सके। तो ऐसे में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगल सत्ता का डिस्ट्रॉय होना प्रारंभ हो जाता है, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य सत्ता का डिस्ट्रॉय होना प्रारंभ हो जाता है क्योंकि उनके उत्तराधिकारी नहीं संभाल पाए। जब तक सत्ता के केंद्रीकरण में कोई पावरफुल शासक है या नेता है तब तक उसका साम्राज्य उसका बना रहेगा। जैसे ही कमजोर उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठेगा, उसके अधीन जो शासक है या उसके जो सामंत है या उसके जो उपराजा है वो अपने ही क्षेत्र में स्वतंत्रता घोषित कर देंगे, इस मौके का फायदा उठा करके कि सत्ता का जो अधिकारी है वो क्या है? कमजोर है। तो ऐसा ही गुप्त के समय भी हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया, छोटे छोटे भागों में गुप्त साम्राज्य बट गए, भूमि अनुदान की परंपरा प्रारंभ हुई। भूमि अनुदान, लोगों को भूमि अनुदान में देते थे, तो भूमि अनुदान की प्रथा में तेजी से वृद्धि हुई जिससे सामंतवाद का विकास हुआ। पहली बार सामंतवाद का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ था, सामंतवाद का विकास हुआ और सामंतवाद के विकास से क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हो गया, छोटे छोटे राजवंशों का क्या हो गया? उदय हो गया। किसकी वजह से? सामंतवाद के विकास से क्षेत्रीय राजवंशों का क्या हुआ? उदय। तो इस प्रकार से ये हूणों का आक्रमण और हूणों के आक्रमण का गुप्त साम्राज्य पर प्रभाव, गुप्तों का विकेंद्रीकरण। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, गुप्तों के पतन के बाद में भारत में या उत्तर भारत में कौन कौन से क्षेत्रीय राजवंशों का क्या हुआ? उदय। गुप्तों के पतन के बाद में कौन कौन से क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता, उसके अंदर पांच इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत सारे लेकिन हम पांच की बात करेंगे। पांच इंपॉर्टेंट है, पहला है वल्लभी की मित्रक, दूसरा है कन्नौज की मोखरी, तीसरा है मालवा मगध के परवर्ती गुप्त शासक, चौथा है बंगाल के गौड, और पांचवी जिसकी हम बात करेंगे वह बात करेंगे हम थानेश्वर का वर्धन वंश। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी में हर्षवर्धन पढ़ेंगे हम। इस पांचवी पॉइंट की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आज हम देखेंगे इन चार क्षेत्रीय राज्यों को, ठीक है, वल्लभी की मित्र, कन्नौज की मोखरी, मालवा मगध के परवर्ती गुप्त और बंगाल के गौड़ शासक। तो प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश जिनका गुप्तों की सत्ता के पतन के बाद में उदय हुआ। पहला हम देखें वल्लभी के मित्र। वल्लभी के मित्र, इनका जो क्षेत्र था वह गुजरात के आसपास का क्षेत्र था, ठीक है। वल्लभी ने अपनी सत्ता गुजरात के क्षेत्र के आसपास या गुजरात में अपनी स्थापित की थी। वल्लभी के मित्र में भट्टार्क और धर्मसिंह दो प्रमुख शासक हुए। भट्टार्क और धर्मसिंह कौन से वंश के प्रमुख शासक थे? तो वल्लभी के मित्र वंश के प्रमुख शासक थे।
गुप्तोत्तर काल में यानी कि गुप्तों की सत्ता के बाद के राजवंशों में सबसे लंबे समय तक शासन जिन्होंने किया था वह कौन थे? वल्लभी के मित्र थे। जब गुप्तों की सत्ता पतन हो गया था, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, उस पतन के बाद क्षेत्रीय राजवंशों में सबसे लंबे समय तक जो शासन करते हैं वह वल्लभी के मित्र। इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुप्तोत्तर काल के राजवंशों में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? वल्लभी के मित्र को। ठीक है, वल्लभी संवत और गुप्त संवत दोनों एक साथ ही प्रारंभ हुए थे। वल्लभी शासक भी चंद्रगुप्त द्वारा प्रारंभ किए गए गुप्त संवत को ही फॉलो करते थे। तो वल्लभी संवत और गुप्त संवत तीनों दोनों एक साथ प्रारंभ हुए और समय आपको अच्छे से पता है 319 ईस्वी। तो 319 ईस्वी में दोनों संवत एक साथ क्या होते हैं? प्रारंभ होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम कन्नौज के मोखरी वल्लभी के बारे में। अच्छा, वल्लभी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और है। वैसे तो हमारे भारतीय इतिहास का या भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला था, जहां से चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बड़े बड़े शासकों ने या बड़े बड़े जो आचार्य थे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला। अगर बात करूं सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय था। जी हाँ, बिहार में जो गुप्त शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था वह नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसी प्रकार का एक विश्वविद्यालय और था जिसका नाम था वल्लभी विश्वविद्यालय, और वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में था। इन्हीं वल्लभी शासकों के समय वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ था? गुजरात में था। वल्लभी विश्वविद्यालय की सबसे खास बात यह है कि उस समय जो भारत में राजनीतिक प्रशासनिक पद होते थे उन प्रशासनिक पदों पर सर्वाधिक जो अधिकारी नियुक्त हुए थे वह वल्लभी विश्वविद्यालय से थे। आप बात को समझना, प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय नालंदा, और उस समय भारतीय राजनीति में जो प्रशासनिक पद होते थे उन प्रशासनिक पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर सर्वाधिक जिन विद्यार्थियों की नियुक्ति होती थी वह वल्लभी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए होते थे। बात समझ गए होंगे। तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट वंश जो है वो है कन्नौज का मुखरी। कन्नौज उत्तर प्रदेश के आसपास वाला क्षेत्र है। कन्नौज के मुखरी वंश की सत्ता की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था हरिवर्मा। कन्नौज के मुखरी वंश की सत्ता की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम हरिवर्मा था। और जिस समय कन्नौज की मोखरी वंश की सत्ता स्थापित हुई वह समय लगभग 554 ईस्वी था। देखो क्लियर कोई भी नहीं है, 555 भी हो सकता है, 553 भी, लेकिन हाँ जिस समय हरिवर्मा ने कन्नौज में मोखरी सत्ता की स्थापना की वह समय 554 ईस्वी था, क्योंकि 550 में गुप्तों का डिस्ट्रॉय हो गए थे, डिक्लाइन हो गया था। तो ऐसे में कुछ समय बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया और मौका देकर के हरिवर्मा ने भी अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर दी और 554 ईस्वी में मोखरी सत्ता की क्या कर दी? स्थापना। जिस जगह की वह कौन सा था? कन्नौज। इंपॉर्टेंट रहेगा गुप्तोत्तर काल में। इस कन्नौज के मोखरी शासकों का सबसे शक्तिशाली जो शासक हुआ उसका नाम था ईशान वर्मा। मोखरी शासकों में सबसे पावरफुल जो शासक था उसका नाम था ईशान वर्मा, और ईशान वर्मा के बाद जो गद्दी पर बैठे वह नाम थे सर्व वर्मा, अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा। ईशान वर्मा के बाद में मोखरी गद्दी पर बैठने वाले शासकों में सर्व वर्मा, अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा शासक बने। बात करें हम ग्रह वर्मा की, मोखरी शासकों में जो अंतिम शासक हुआ वह ग्रह वर्मा था। मोखरी सत्ता का जो अंतिम शासक था वह ग्रह वर्मा था, और इस ग्रह वर्मा का विवाह हम एक वंश पढ़ेंगे थानेश्वर के वर्धन वंश, उसमें हम एक शासक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा प्रभाकर वर्धन। उसके होंगे दो पुत्र, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, एक होगी पुत्री जिसका नाम राज्यश्री। तो सीधे सीधे शब्दों में कहूं हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मुखरी शासक ग्रह वर्मा से होता है। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मुखरी शासक ग्रह वर्मा से होगा और इस ग्रह वर्मा की हत्या कर दी जाएगी देव मालवा शासक देवगुप्त के द्वारा और बंगाल की गौड़ शासक शशांक द्वारा। और ग्रह वर्मा की मृत्यु के बाद में कन्नौज की गद्दी भी जिसके हाथ में आएगी वह व्यक्ति या शासक होगा हर्षवर्धन। वापस देखें कन्नौज की मोखरी संस्थापक हरिवर्मा है, 554 ईस्वी के आसपास सत्ता की स्थापना की,
प्रमुख शक्तिशाली शासक ईशान वर्मा था, उसके बाद सर वर्मा, अवंती वर्मा, ग्रह वर्मा शासक बने। ग्रह वर्मा अंतिम शासक रहेगा, विवाह हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री से होगा, किंतु इसकी मृत्यु हो जाती है। और कल बात करेंगे हम मृत्यु के बारे में, जब वर्धन वंश पढ़ेंगे, इसकी मृत्यु देवगुप्त और बंगाल की गौर शासक शशांक द्वारा इनकी गद्दी गिर जाती है, जिसके बाद कन्नौज की गद्दी खाली हो जाती है और कन्नौज की सत्ता भी मिल जाती है हर्षवर्धन को। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट वंश, तीसरा वंश है जिसका नाम है मालवा मगध के परवर्ती गुप्त। परवर्ती गुप्त से तात्पर्य है कि गुप्तों के बाद में उनका जो महत्वपूर्ण केंद्र था, उस पर जो सत्ता स्थापित की थी, वो मालवा मगध के परवर्ती गुप्त कहलाते हैं। तो इस वंश का प्रमुख शासक महासेन था। जी हाँ, इस वंश का प्रमुख शासक महासेन था। हर्षवर्धन की जो दादी थी, हर्षवर्धन की दादी इसी महासेन की बहन थी। ठीक है, हर्षवर्धन की दादी महासेन की बहन थी। तो महासेन के दो पुत्र हुए, जिनका नाम है कुमारगुप्त और माधवगुप्त। इन दोनों का बचपन हर्षवर्धन के साथ, या फिर मैं कहूं कि ये दोनों वर्धन दरबार में उपस्थित थे। ठीक है, आपको ध्यान रखे जाना है, मालवा मगध के परवर्ती गुप्त, प्रमुख शासक महासेन, इसके दो पुत्र थे कुमारगुप्त और माधवगुप्त, ये दोनों वर्धन दरबार में रहते थे या उपस्थित थे। और वर्धन वंश में और मालवा मगध के परवर्ती गुप्तों में संबंध मैंने बता दिया कि हर्षवर्धन की दादी महासेन की क्या थी, बहन थी, तो दोनों में वैवाहिक संबंध भी थे। नेक्स्ट है और अंतिम है बंगाल के गौर। बंगाल के गौर शासकों में सबसे इंपॉर्टेंट शासक था शशांक। तो प्रमुख शासक हुआ शशांक बंगाल के गौर शासकों में। शशांक बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। जी हाँ, जैसे निहिरकुल बौद्ध धर्म का विरोधी था, उसी प्रकार से शशांक भी बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। ये इतना कट्टर विरोधी था कि गौतम बुद्ध ने गया में जिस वृक्ष के नीचे बैठकर के ज्ञान प्राप्त किया था। जी हाँ, बौद्ध धर्म की जो संस्थापक है महात्मा बुद्ध, उन्होंने बौद्ध गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठकर के ज्ञान प्राप्त किया था। जब शशांक की सत्ता आती है तो शशांक उस बौद्ध वृक्ष को वहां से कटवा देता है। इतना कट्टर विरोधी था कि बौद्ध वृक्ष को कटवा देता है और कटवा के उसको गंगा में फेंकवा देता है। तो शशांक बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, इसने गया में स्थित बौद्ध वृक्ष को कटवाया और इसे कहां फेंकवा दिया, गंगा में। हेनशांग ने शशांक की राजधानी कर्ण सुवन बताई है। तो हेनशांग ने अपनी पुस्तक में शशांक के लिए लिखा है कि शशांक कर्ण सुवन का राजा था, या कर्ण सुवन का शासक कौन था, शशांक। तो इस प्रकार से हमने आज आपको दिखाया, आज देखा हमने गुप्तोत्तर काल, जिसमें हुणों के आक्रमण के बारे में चर्चा की। उसके बाद में हम जो क्षेत्रीय राज्य उदय हुए, जिसमें वल्लभी के मित्र, कन्नौज की मोखरी, मालवा मगध के परवर्ती गुप्त और बंगाल की गौर शास्त्री के बारे में बात की। और कल की क्लास में हमारा जो महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा, वो आपके इस प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम चैप्टर रहेगा, या अंतिम पार्ट रहेगा। देखो, दो क्लास में होता है, एक क्लास में, तो अंतिम चैप्टर रहेगा जिसका नाम होगा वर्धन वंश, और उस वंश का जो शासक होगा जिसका नाम होगा हर्षवर्धन। आशा है कि हमारी जो भारतीय इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने शायद इंजॉय किया होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। कोई आपके प्रश्न होंगे, पूछे होंगे, अभी भी आपको कोई डाउट है किसी भी चीज को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में इनसे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हो। कल मिलेंगे हम नए वंश के साथ, जिसका नाम है वर्धन वंश। धन्यवाद।